दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे रिंगनेक बर्ड को कौन कौन सा फूड देना है जो कि इनको ज़्यादा पसंद है और इनके हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। अगर आपने जनवरी फरवरी में पहाड़ी नहीं खरीद पाया है आपने, और आपने रिंगनेक कहीं से परचेज कर लिया है, या फिर आप रिंगनेक रखना चाहते हैं, तो इनका फूड के बारे में आपको कुछ ज़रूरी जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको रखने में आसानी हो। अगर आप बेबी लेके आते हैं तो सबसे पहले जो है कि इनको दाल आपको देना होगा, और इनको देना होगा सत्तू। जैसा कि पहाड़ी को देते थे सेम वही सत्तू चलेगा। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पहाड़ी को कैसे खिलाना, तो वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैं कन्हैया वेलकम करता हूं आपका पेट टेक एंड ट्रेवल में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिले मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दाल जो इनको देना है वो मसूर का दाल देना है। मसूर को दाल को 12 घंटे फुला कर रख देना है, उसके बाद इनके सामने आप डालेंगे या फिर आप उसको हैंड फीड देंगे तो ये खाना स्टार्ट कर देंगे। यही चीज़ आपको करना है, हैंड फीड का मैंने बता दिया। और जो प्रॉपर इनका डाइट होता है रिंगनेक, जब हल्का सा बड़ा हो जाता है तो इनको आप चना दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, जितने भी सब्जी आती है हमारे पास, आलू छोड़ के, प्याज छोड़ के, बाकी जो भी सब्जी हमारे पास अवेलेबल आती हैं ग्रीन में, वो सारा कुछ आप डाल सकते हैं, ये सारा कुछ खा लेते हैं। फ्रूट्स में A to Z फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। A to Z यानी कि A to Z कंप्लीट फ्रूट्स जो भी अवेलेबल होंगे सीजन बाय सीजन, उसको आप डाल सकते हैं। ये काफ़ी शर्मीले बर्ड्स होते हैं और इनको ज़्यादा टच में रहना पसंद नहीं है ह्यूमन के, तो इनको एकांत जगह आप दे सकते हैं रखने के लिए। अगर आप टेम करना चाहते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, इनका आपको फेदर को 100% कट करना होगा। अगर फेदर कट आप नहीं करेंगे तो इनको आप बिल्कुल भी बचपन से भी पालेंगे तो भी आप टेम नहीं कर पाएंगे, फ्रेंडली ये नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड होते हैं। इंडियन रिंगनेक पूरे प्योर वाइल्ड बर्ड्स हैं, इनको आप जितना भी ट्रेनिंग देंगे ये फिर वाइल्ड ही रहेंगे। बहुत से मामले में ये वाइल्ड से नॉर्मल भी हो जाते हैं, ह्यूमन बिहेवियर में आ जाते हैं, लेकिन 100 में 80% चांस जो है कि ये वाइल्ड ही होते हैं, वाइल्ड ही रहेंगे। तो इसलिए आप सावधानी बरतें, जब भी इतना बर्ड बड़ा लेते हैं तो उनका फेदर को आप ट्रिम कर दें। ट्रिम अगर आप नहीं करेंगे तो ये फ्लाई कर जाएगा और फिर रिटर्न आपके पास ये अवेलेबल भी मतलब नहीं होगा, रिटर्न नहीं आएगा। ट्रिम करने का जो टेक्निक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बढ़िया ट्रिम करना है, बढ़िया ट्रिम करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, मेरी बातें अगर आपको समझ में आ गई होंगी जो कि आपके फ़ायदे के लिए है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। इस पैरट का प्राइस मैं आपको बता दूँ, 700 रुपीज़ to 750 रुपीज़ तक होता है मार्केट इंडियन मार्केट में, और उसके बाद इसका रेट कम भी हो सकता है, कभी कभार ज़्यादा भी हो सकता है। ग्रामीण इलाकों से अगर आप परचेज करेंगे तो ये 200-300 में भी मिल जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। धन्यवाद।